और सब आशीर्वाद रसूल बनेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना। अब हम भूत के दिन ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम बकरीद कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद कहते हैं। आका हर ईद को, हर बकरीद को कुर्बानी करते थे। क्या करते थे? दो बकरे। कितने? हर बकरीद को आका दो बकरे ज़बह करते थे। या रसूलल्लाह ये दो किसके लिए? आप फरमाते हैं एक मेरे लिए, एक मेरी गरीब उम्मत के लिए। उम्मत के लिए भी आका कुर्बानी करते थे। हम लोग भी इंशाल्लाह पैसा अगर आ जाए तो नबी के नाम पे भी करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। ये कुर्बानी करना अब नबी ने अपनी उम्मत के लिए किया, और आपके बाद मौला अली हैदर कर्रार फातेह खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा भी दो बकरे करते रहे। कितने? दो बकरे या दो दुम्बे। आपसे किसने पूछा कि दो क्यों कर रहे हो? फरमाया एक मेरे लिए, एक मेरे नबी के लिए। तो उम्मत के लिए करना नबी की सुन्नत, और नबी के नाम पे कुर्बान करना ये मौला अली की सुन्नत। ये दोनों भी सुन्नतें इंशाल्लाह हम अदा करेंगे, करेंगे ना। और आजकल हमारे पास का एक फलसफा बड़ा खतरनाक है। हम सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। गौसे पाक की ईद आ गई तो 10 बकरे सुबह। कितने? बुरा मत करने दो, मैं सुन्नी हूँ। तो बोलेंगे मौलाना क्या बात कर रहे, खाजा के नाम पे 10 देग का खाना लगा हुआ, किसी वली की न्याज है? इतने बकरे सुबह करो, अफजल है, मोहब्बत है, लेकिन पहले कुर्बानी करना होगी। कुर्बानी करीब आती मौलाना खर्चा है, उधारी बहुत हो गई, माल घर में पड़ा हुआ है, धंधा नहीं है, ये बात नहीं चलेगी। रोजाना गोश्त खाते हो, अच्छे अच्छे माशाल्लाह अल्लाह ताला गिजाए खिला रहा है, अल्लाह का करम है। पहले देखो आप, 50 साल पहले लोग फाके करते थे, बासी टुकड़े पानी में भिगा कर खाते थे। जो हमें ज़ईफ है इनसे पूछो, ये अल्लाह का करम है। लॉकडाउन से हालत ढीली पड़ गई, पैसा खत्म हो गया। मुझे बताओ बुड्ढी लाइन की कौन सी होटल खाली है? कौन सी होटलें खाली है? सब भरी है। फिर लॉकडाउन से नुकसान क्या हुआ है? तो अल्लाह ताला ने दिया है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, करेंगे कुर्बानी। एक हिस्सा अपने नाम पे डालो, डालेंगे ना। और कैसा करना है? पैसा हमारे पास है, ये साल अब्बा के नाम की कर लेता हूँ, अगले साल अम्मा के नाम की, उसके बाद दादा के नाम की, नहीं चलेंगी। पहले वाजिब तुम पर है, उसके बाद अगर पैसा है तो अब्बा के नाम की डालो, और पैसा है तो अम्मा के नाम की डालो, और पैसा है तो नबी के नाम पे डालो। मगर पहले खुद पर है, पहले खुद को करना है, तब तुम्हारा वाजिब अदा होगा, वरना अदा नहीं होगा। सवाब उनको मिलेगा, गुनहगार आप हो जाएंगे। तो ये मसला याद रखो। और कुर्बानी एक बैल में 7 हिस्से हैं। कितने हैं? ऊंट में कितने हैं? मिलके बोले यार, 7 हिस्से हैं। हमारे YouTube चैनल खाते की सुन्नी दिलेर खादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।